नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज फिर CAA NRC NPR के खिलाफ ऐतिहासिक रैली मुमरा की सड़कों पर देखने को मिला। इस रैली में खासकर महिलाओं की हुजूम बड़ी तादाद में दिखाई दी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन CAA NRC NPR की विरोध करते हुए महिलाएं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले आप तस्वीर देखें महिलाओं का हुजूम किस तरह से है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई। हम जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे इस्लामुद्दीन से, प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, क्या बातचीत हुई है इस्लामुद्दीन से, पहले आप सुनिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहटन। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के दिन महिलाओं का एक खास जो है प्रोटेस्ट यहाँ मुमरा शहर में निकाला गया है। आप देख सकते हैं ये जो प्रोटेस्ट निकाला गया है, ये प्रोटेस्ट जो है सरकार द्वारा जो CAA NRC NPR जो लाया जा रहा है इसके खिलाफ जो है यहाँ पर ये प्रोटेस्ट निकाला गया है। आप देख सकते हैं मुमरा शहर में जो है तमाम जो है ये महिलाएं आज सड़कों पर उतर चुकी है और अपना विरोध प्रदर्शन जो है जता रही है सरकार के खिलाफ। जो जिस तरह से ये काला कानून, एक तरह से कहा जाए काला कानून जो सरकार ला रही है, उसके लिए जो इस मुमरा शहर की तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर गई है और आज़ादी के नारों के साथ जो है इस काले कानून का विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो है ये जो मोर्चा, ये जो विरोध प्रदर्शन का मोर्चा निकाला गया है, ये मोर्चा जो निकाला गया है ये दारुल फलाह मस्जिद से लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक तक जो है ये मोर्चे का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है भारी तादाद में मुमरा शहर की महिलाएं जो है शामिल हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये मुमरा रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाला रास्ता है ये पूरा महिलाओं से भरा हुआ है और महिलाएं जो है इस काले कानून को लेकर जो है इस विरोध प्रदर्शन में प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो सरकार के खिलाफ जो है अपना गुस्सा जाहिर कर रही है, जो सरकार द्वारा CAA NRC NPR लाया जा रहा है इसके खिलाफ, और खास करके जिस तरह से इस कानून को लेकर जिस तरह से JNU जामिया के छात्र जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की थी उसके खिलाफ भी इन महिलाओं का ये प्रोटेस्ट है। और जिस तरह से यूपी में पुलिस की बर्बरता सामने आई थी उसके खिलाफ भी ये तमाम महिलाएं जो है आज यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो है इन तमाम महिलाओं का खास तौर पर है और इसमें पुरुष जो है किसी भी तरह से पुरुषों का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये महिलाएं जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, इतनी बड़ी तादाद इनकी नहीं मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से आज ये महिलाएं अपने घरों से निकल के जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार जिन महिलाओं को कहती थी कि आज़ादी, आज वही महिलाएं आज़ादी का नारा लेकर जो है सड़कों पर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही हैं, आज़ादी की मांग कर रही हैं, और वो भी आज़ादी ऐसी कि जो सरकार खुद CAA NRC NPR लेकर आ रही है उसके खिलाफ ये तमाम महिलाएं जो है अपने घर की चार दीवारी से निकल कर आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रही है। तो सरकार के खिलाफ इन महिलाओं का गुस्सा आज साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये महिलाएं जो अपने घर में रहा करती थी, अपने घरों में रहा करती थी, अपने बाल बच्चों को देखा करती थी, लेकिन आज सरकार की वजह से इन महिलाओं को आज रोड पर उतरना पड़ा है। अक्सर कहा जाता था सरकार की तरफ से कि महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें आज़ादी चाहिए, लेकिन आज वही मुस्लिम महिलाएं अपने घर से जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं तो अब सरकार की कुर्सियां तक हिलने लगी है कि ये महिलाएं अब आज़ादी की मांग सरकार से खुद कर रही हैं, जिस वजह से सरकार की अब कुर्सी तक हिल चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार को जिस तरह से यहाँ जो नारेबाजी हो रही है उस नारेबाजी में भी इन महिलाओं का कहना है, जिस तरह से नारे लगा रही है कि सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, इस तरह के जो है नारेबाजी इस प्रोटेस्ट में किया जा रहा है। आपको दिखा दें कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक है वहाँ से लेकर और ये पूरा इलाका दारुल फलाह मस्जिद तक आपको इसी तरह का जो है भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम महिलाएं जो है इसी तरह से सड़कों पर यहाँ पर आज जो है घर से निकल के सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं हम इन्हीं महिलाएं से बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो ये कानून लाया जा रहा है इस कानून के खिलाफ
वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार जिस तरह से अपनी रवैया सख्त करती जा रही है इस कानून को लेकर, उस पर भी हम इन महिलाओं से चर्चा करेंगे कि सरकार के प्रति इन महिलाओं में कितना गुस्सा है, ये सरकार के खिलाफ क्या कहेंगे। जिस तरह से सरकार द्वारा इस कानून को लेकर जो महिलाएं विरोध कर रही है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है इस कानून को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं एक छोटा सा जो है बच्चा यहाँ पर, भारत का संविधान, और आज गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन जो है संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था, ऐसे में भारत के संविधान को बचाने के लिए एक छोटा सा बच्चा जो है अपने गले में भारत का संविधान लिख कर जो है टहल ढूंढ रहा है, इस प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यानी साफ तरह से देख सकता है जिस तरह से आप इसको जामिया मिलिया में जेएनयू में जिस तरह से बेटियों पर हमला हुआ था, उसी तरह से इसको आप देख सकते हैं कि एक मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, इसी तर्ज पर जो है यहाँ पर ये लिखा गया है कि मैं एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ। यहाँ पर जाकर से महिलाओं के साथ साथ जो है अपने घरों से छोटे छोटे बच्चे जो है निकल कर आए हैं, और यहाँ नरेंद्र मोदी की एक जो है बेहद ही डरावनी तस्वीर आप देख सकते हैं, तेरे गुरूर को जलाएंगे वो आग हम, आकर देख शाहीन बाग है हम। यानी आप कह सकते हैं जिस तरह से दिल्ली का शाहीन बाग है, उसी तरह से मुंबई में भी एक शाहीन बाग यहीं पर है और इसी जगह पर है जहां पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी जगह पर जिस तरह दिल्ली का शाहीन बाग है आपको दिखाना चाहेंगे कि जहां पर ये मंच लगा हुआ है उससे थोड़ी दूर पर जो है दिल्ली के तर्ज पर शाहीन बाग, वहां पर भी कुछ महिलाएं आज 5 दिन से जो है बैठी हुई है और अपना विरोध प्रदर्शन इस काले कानून को लेकर कर रही है। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है इस काले कानून के खिलाफ जो है एक जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था, और 3 बजे दारुल फला मस्जिद से लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक तक जो है ये आया, और इसी तरह की सभी महिलाएं इस भीड़ में जो है शामिल है, हजारों लाखों की तादाद में जो है ये महिलाएं आज सरकार के खिलाफ जो है मुंब्रा शहर में उतरी है। हिंदुस्तान की बेटी हूँ ये जो लिख कर एक भारत के नक्शे पर चल रही है, हम इसी से बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? खान अमशाद अब्देज अली। ये जो लिखे हैं आप मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, ये ऐसी जरूरत आपको आज क्यों पड़ी कि ये लिख कर जो है और गले में पहन कर जो है सड़कों पर चलना पड़ रहा है आपको? मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, संविधान लेके चलूंगी। जो सरकार कानून ला रही है, क्या ये कानून हिंदुस्तान के लिए ठीक है या गलत है? गलत है। आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो इस कानून को गलत बता रही है, लेकिन सरकार जो है अपनी तमाम दलीलें देती है कि ये कानून सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता लेने वाला कानून। जब इस कानून को NRC और NPR से जोड़ दिया जाता है तो ये कानून और भी खतरनाक हो जाता है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन इस कानून के खिलाफ लगातार जो है देखे जा रहे हैं, लगातार जो है शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है और इस तरह के जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की रैलियां की जा रही है। लाखों की तादाद में जो है महिलाएं अपने घर से निकल के अपने बच्चों के साथ निकल के इस सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा पल्लवी शिवा जगताप। तो आप भी प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल? हाँ, मैं भी शामिल हुई हूँ, मेरी और भी बहुत सारी बहनें शामिल हुई हैं, जो कि सिर्फ मुंब्रा से नहीं है, मुंब्रा के बाहर से भी लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। क्या लगता है आपको जो ये कानून ला रही है सरकार, ये कानून जो है आप लोगों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है? ये कानून हर उस भारतीय के खिलाफ है, ये कानून हर उस भारतीय को खतरे में लाने वाला है जो BJP को नहीं मानता है, जो BJP के जो उनके कुछ रूल है, RSS के जो रूल है उनको नहीं मानता है, ये हर उसके खिलाफ है। हमारा देश सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीता है, हमें एक वोट करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है जिसके ऊपर हम जीते हैं, उसी ने हमें इस देश की नागरिकता दी है, और ये लोग उसे हटाकर खुद एक CAA NRC जैसे रूल लाकर सिर्फ संविधान को धक्का देना है, इन्हें इस देश से संविधान को मिटाना है, यही इनकी साजिश है, और उस साजिश को पूरा करने के लिए ये उनकी कोशिशें की जा रही है।
क्या लगता है जिस तरह से पूरे देश में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है इस कानून को लेकर, तो सरकार को इस बिल को, इस कानून को जो है वापस ले लेना चाहिए? जरूर उन्हें वापस लेना चाहिए। जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट हुआ है, आप ही लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इतनी बड़ी तादाद में जो है महिलाएं घर से निकल के आई हैं इस प्रोटेस्ट में, कहीं ना कहीं अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो क्या इस तरह के प्रोटेस्ट आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेंगे। आपने सुना होगा आज़ादी की लड़ाई कितनी ही लंबी थी, तो फिर ऑब्वियसली ये लड़ाई भी काफ़ी लंबी जाएंगी। भले ही गवर्नमेंट ने तो कहा है कि वो नहीं लेंगी, बट ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि लड़ाई लंबी चलेगी, तो हम ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट निकालते रहेंगे और हम इस पर भी वर्क करेंगे कि जो यूनिटी है, जो इस चीज़ के तहत जो हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी है, आज देश एक हो गया है, तो उस पर हम और काम करें। और इसी तरह की जो यूनिटी है, जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोगों को आपस में भिड़ाए, डिवाइड एंड रूल करे, वो उनका जो पासा है ना, वो उन पर उलट पड़ा। क्योंकि आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सारे लोग एक हो चुके हैं और गवर्नमेंट को पहली बार उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन मिला है, और वो है देश की जनता, और वो समझ चुकी है कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या कर रही है, और इसीलिए आज सब लोग इकट्ठा है। जिस तरह से पूरे देश में देखा जा रहा है, दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या आप लोग जो आज इसी का रैली का आयोजन किया, लेकिन क्या उसी तरह के तर्ज पर आप लोग भी प्रोटेस्ट करना मुमरा शहर में कुछ सोच रहे हैं? जी ज़रूर, अभी तो हमने ये जो प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं, हम लोग उसकी सराहना करते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से अपना जो दुख है या इस चीज़ के खिलाफ जो उनका विरोध है वो जाहिर कर रहे हैं, तो इवन वी गॉट दिस वे एंड वी विल इंशाल्लाह, इफ आगे हमको बैठ के जिस भी वे में वी वुड वांट टू डू दैट, वी वुड फॉर श्योर डू दैट। जिस तरह से जो कानून लाया जा रहा है, CAA हो गया, NPR हो गया, तो इसको जो है आप कितना खतरनाक मानती हैं कि ये देश के लिए कितना आघातक? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा इंडिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है कि नहीं? अब CAA के तहत उन्होंने इतना बड़ा ये है ना, ये कहना कि हम मुस्लिम को छोड़कर बाकी सारे लोगों को यहाँ ले आएंगे, ये खुद ही में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आपने सीधा सीधा मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया इस चीज़ से, तो ये एक बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है खुद ही के अंदर, है ना? तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ धज्जियाँ उड़ा दी। अब आप NRC कर रहे हैं, NRC में आप यहाँ पर हर किसी को टारगेट करेंगे, कोई मतलब रिलीजन नहीं देखेंगे, हिंदूज मुस्लिम हर कोई, तो गरीब जो है वो सबसे ज़्यादा टारगेट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं जब डीमोनेटाइजेशन आया तो कौन सा अमीर लाइन में लगा था? अमीर तो अपने काम निकलवा लेते हैं, गरीब जो होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। और हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सबको पता है गरीबों की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उनका क्या करें? कितने लोग रोड्स में सोते हैं अभी भी, कितने लोगों के घर में बच्चे होते हैं, उनका आप प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे तो आप उन सबको भेज देंगे, उनके वोटिंग अधिकार छीन लेंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि एक हिंदू इलेक्ट्रोइट माहौल चल जाए, उनको पता है कि उन्होंने जो इंडिया को खोखला कर दिया है ना, अभी स्लोली पीपल विल क्वेश्चन, जो ब्लंडर गवर्नमेंट ने की है उसको स्लो स्लो सब लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कैसे लोगों को भटकाया जाए? जब हमारे अस्तित्व की ही पहचान नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली लोग दबाव में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, कोई क्या सवाल करेगा आगे, है ना? आज जो ये प्रोटेस्ट किया गया, खास तौर पे जो महिलाओं का ये प्रोटेस्ट रहा CAA NRC NPR के खिलाफ, तो सरकार से क्या, राज्य सरकार से जो मांग की गई है, जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी मांग की है कि जो इस कानून को महाराष्ट्र में ना लागू किया जाए? मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले ही जैसे उद्धव जी को पता चला है तो उन्होंने ये कहा है कि ये कानून हम महाराष्ट्र में लागू होने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, जो भी गैर BJP सरकारें आज है सत्ता में पूरे देश में, उन्होंने सभी ने इस कानून का पुरजोर विरोध किया हुआ है। लेकिन बात सामने ये भी आ रही है कि अगर ये कानून सदन से पास हो चुका है तो इसे राज्य सरकारें जो है लागू करने से रोक नहीं सकती। ऐसा एक एक्चुअली ऐसा है क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा एक विकल्प है कि जिसमें वो कानून अगर संसद में पास हो गया हो, लेकिन सबको पता है कि ये कानून उन्होंने अपने बहुमत की जोर पे ज़बरदस्ती पास किया है। एक हाउस में तो उसको मना ही किया था, लेकिन वहाँ पर BJP का अपर हाउस में थोड़ा सा जोर है तो उन्होंने ज़बरदस्ती इस कानून को मनवाया है। बहरहाल देखिए, विरोध करना हमारा काम है क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ ये कानून है। इसे चाहे सरकार कुछ भी रंग दे, लेकिन ऐसे कईयों लोग हैं जो बिना कागज़ के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जिनके पास आज भी बॉम्बे में रह के, पूरी ज़िंदगी उनके बॉम्बे में गई, लेकिन आज उनके पास एक भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये सच्चाई है।
अच्छा, जिस तरह से आप भी महिला संगठन से जुड़े हैं और इस जो ये मोर्चा निकाला गया ये भी महिला संगठन द्वारा निकाला गया है, तो क्या जब तक इस कानून को सरकार पीछे नहीं लेती है तब तक क्या इस तरह के प्रोटेस्ट जो है जारी रहेंगे? मेरे ख्याल से इससे सिर्फ इन प्रोटेस्ट से शायद उनके आँख नहीं खुल रही, क्योंकि लोगों उन्होंने मतलब हर एक को मारा, लोगों की जाने ली, कई जाने गई है इसके किस्में, तो उन्होंने भी ये सोच लिया है और ये उन्होंने अभी ना ये ईगो बना लिया मेरे ख्याल से। आई थिंक द होम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया हैज मेड दिस ईगो इश्यू, ही इज़ ऑन अ ईगो ट्रिप कि अगर आज मैं झुक गया तो मुझे बार बार झुकना पड़ेगा, बट ही डजंट रियलाइज कि उनको बनाने वाली इस देश की जनता ही है। इफ इज अ होम मिनिस्टर टुडे ही शुड बी थैंकफुल टू अस, टू द पॉपुलेशन, नॉट टू मी, आई डिड नॉट वोट फॉर देम, लेकिन जिन्होंने उनके लिए वोट किया है उनके वो सारे लोग इन उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन मीडिया जो उनको चाहिए वही ऑलवेज बताता है और आप लोग क्या दिखाएंगे मुझे पता नहीं है, बट ये आधा से ज़्यादा बेड़ा गर्क मीडिया का किया हुआ है एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, यू नो, क्योंकि वो लोग वही दिखाते हैं जो बीजेपी चाहती है और वो लोग वही सुनते हैं। और हमारे यहाँ पर आजकल वो टीवी नाम की जो चीज़ है वो इंसान के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई बहुत अहम, तो हटाना तो उन्हें पड़ेगा ही चाहे कुछ, या तो उस आज जो उन्होंने जो मुद्दे लिए हैं उनको उसको फिर से अमेंड करना पड़ेगा, बट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पूरा कानून रद्द नहीं हो सकता क्योंकि 1955 का एक्ट है, लेकिन उनको उसमें कुछ बदलाव, कुछ तब्दीले ला कर इट हैज़ टू बी मोर सिटीजन फ्रेंडली। तो आपने सुना, महिलाएं काफ़ी आक्रोश में हैं, मोदी सरकार के नए कानून का विरोध कर रही हैं, उनकी मांग है CAA NRC NPR कानून को वापस लें। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।